हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले पैरोल सुपरस्टार यश की अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। चार पांच दिन से ये चीज एकदम ट्रेंड में चल रहा है, ट्विटर हो वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर हो, ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है केजीएफ स्टार यश की अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, यश आप लोगों को और कौन से नए प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को मिलने वाला, मतलब अपने रॉकी भाई का यानी यश का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, अभी इस बात पे कितना सच है वो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। यश 19 का अनाउंसमेंट आपको कब देखने को मिला है, शूटिंग कब स्टार्ट होने वाला है, रिलीज डेट आपको कब तक देखने को मिलने वाला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बीच में ये भी अपडेट निकला था कि यश भाई ने जो है इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो आज इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले कि क्या सच है और क्या झूठ है, ये प्रोजेक्ट बनेगा भी या फिर नहीं बनेगा। तो जितने भी लोग जानने के लिए एक्साइटेड हो वीडियो के अंदर आ चुके हो तो रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरी तरीके से पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले बात करते हैं जितने भी लोग सोच रहे हैं कि यश भाई का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है यश 19। तो जी हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं केजीएफ के अलावा। और दूसरी बात, ये जो पोस्टर है सभी को लग रहा है कि ऑफिशियल पोस्टर, और इस पोस्टर में यश भाई जिस लुक में, जिस कैरेक्टर में नजर आ रहे वो एक नेवी ऑफिसर का कैरेक्टर, एंड कहा यही जा रहा है कि यश भाई इस मूवी के अंदर इसी कैरेक्टर के अंदर नजर आने वाले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पोस्टर आप लोगों ने देखा है मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियल पोस्टर, हो सकता है यश भाई इस मूवी के अंदर नेवी ऑफिसर के कैरेक्टर में नजर आए। बट अगर बात करें ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, तो अभी तक ये जो दोनों ही न्यूज है ये रूमर्ड है, किसी भी जगह पे कोई भी किसी भी तरीके से जो यश 19 को लेके ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी पोस्टर, कोई भी ऐसा चीज जो है लीक्ड या फिर कोई भी रिवील नहीं किया गया। सो अभी बात करते हैं क्या यश 19 आने वाला है और यश भाई का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या यश 19 होने वाला, क्या यश 19 केजीएफ चैप्टर 3 के पहले आएगा या फिर बाद में आएगा, और यश भाई का नेक्स्ट प्रोजेक्ट केजीएफ चैप्टर 3 होगा या फिर यश 19 हो। तो यश भाई का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, जी हाँ, यश 19 ही यश भाई का जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। मतलब केजीएफ चैप्टर 3 के पहले यश भाई आपको किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और लुक में जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो सवाल अभी यही आता है कि यश 19 अगर बनने वाला है वो केजीएफ से पहले आएगा तो उसका अनाउंसमेंट कब होने वाला है। तो जितने भी अपडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि यश 19 का जो अनाउंसमेंट है आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ यानी जून के महीने में आप लोगों को अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है। और एक रूमर डेट भी यहाँ पे निकल के आ रहा है, 3rd of June यश 19 का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल यश 19 को लेके जो सीन यहाँ पे चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रोजेक्ट को लेके हाइप अभी देखने को मिला है, इसका मतलब है कि रिसेंटली यश भाई ने इस प्रोजेक्ट को बस साइन किया है। जी नहीं, केजीएफ चैप्टर 2 के पहले यश भाई के पास ये प्रोजेक्ट आया हुआ था एंड तभी उन्होंने साइन भी कर लिया था। तो वही चीज अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बात करें अभी इस मूवी की स्टोरी की, क्या होने वाला है यश 19 के अंदर, क्या देखने को मिला है यश 19 के अंदर, यश भाई का रोल क्या होने वाला है, यश 19 का प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, कितने स्केल पे इसको बनाने वाला है, क्या होने वाला है। तो एक चीज तो पक्का है कि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद अभी यश भाई के जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे तो वो सभी के सभी पैन इंडिया होने वाले, पैन इंडिया वर्ल्ड लेवल होने वाला, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश भाई का जो स्टारडम बन चुका है, यश भाई का जो ऑरा बन चुका है वो जिस लेवल का एक सुपरस्टार बन चुका है, एंड अभी उनका जो लुक एंड पर्सनालिटी बन चुका है वो उसी तरीके फिल्में देंगे तभी ऑडियंस रिलेट कर पाएंगे, और उनके फैंस, उनके ऑडियंस जो है चाहते हैं हमेशा वो ऐसे ही लुक में नजर आए जैसे कि केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर, केजीएफ चैप्टर 1 के अंदर, फिर केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर यश भाई के वो दमदार लुक के अंदर नजर आए। एंड यश भाई अपकमिंग जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर नजर आने वाले केजीएफ चैप्टर 3 के अलावा जितने भी डायरेक्टर उनको साइन करेंगे उनका पिक्चर तो ब्लॉकबस्टर होने ही वाला है, लेकिन उस डायरेक्टर के ऊपर ये प्रेशर जरूर से रहेगा कि मुझे एक मास्टरपीस, मास्टर क्लास कहानी बनाना है, क्योंकि मैं जिस सुपरस्टार को साइन कर रहा हूं उसका ऑरा उसी लेवल का है। तो अभी पता नहीं दोस्तों यश 19 का भी कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, वो किस लेवल पे जाने वाला, उसका कहानी क्या होने वाला, वो तो हमें आने वाले टाइम के अंदर ही पता चलने वाला है। यश 19 के रिलेटेड कुछ भी मेरे को अपडेट मिलता मैं जरूर आपको अपडेट कर देने वाला। सो अभी जो न्यूज यहाँ पे निकल के आ रहे वो नेवी ऑफिसर के कैरेक्टर में नजर आने वाला है और कहानी भी उस हिसाब से होने वाला है। तो देखते आने वाले टाइम के अंदर क्या पता चलता है, जो भी मुझे पता चलता है मैं जरूर अपडेट करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।